हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पता ही होगा कि रिसेंटली एनसीईआरटी ने अपने बुक्स में मुगल हिस्ट्री को लेकर काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। तो इसी टॉपिक पे डॉक्टर रिजवान अहमद और माजिदुर हैदरी के बीच में काफ़ी अच्छा डिबेट हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग इन दोनों के बीच का एक बहुत ही अच्छा डिबेट। उन्होंने हमारी आस्था पर प्रहार किया, मंदिरों पर प्रहार किया, जबरदस्ती कन्वर्जन कराया, अब उन्हें सिलेबस से बाहर कर दिया गया, तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही? जी शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। आपके एक इसके एक वजह है, आपके जो मुझे पहले मौका दिया इस बात की शुरुआत में एक सवाल के साथ करता हूँ। चलिए माजिद भाई हमें बताएंगे कि जो मौर्यन एम्पायर था, बिना गूगल करे उसके तीन प्रमुख जो बादशाह हुए उनके नाम बताएंगे बिना गूगल करे। मैं देख रहा हूँ उनको, और नेपोलियन ऑफ इंडिया गुप्ता एम्पायर के किस महान राजा को कहा गया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया? ये बात आसान सा सवाल है, हिस्ट्री ने जिसने भी को भी हिस्ट्री में रुचि हो वो ये दे सकता है। आप बता सकते हैं माजिद भाई, बिना गूगल करे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही जस्ट आस्किंग हैशटैग। बता सकते हैं आप माजिद भाई? मैं अपने मौके पे जवाब दूंगा और पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा कि आपको भी याद रहेगा वो जवाब। अभी मौका दिया, अभी मौका दिया। चलिए चलिए, जवाब मिल गया। चलो गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो जब तक मैं बोल रहा हूं। अब मैं राकेश भाई मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था ये सवालों का बड़ा बेसिक जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा। मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया इस सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास, मुगलों का इतिहास, नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता, लो बता दिया रिजवान, अब बताओ। ये थी इसकी पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है। इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी दो सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हां एक बात और बता दूं राकेश भाई, दो दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने तीन दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बकान भी करती है, दोनों काम करती है। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के, जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर। अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेहरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे, दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक, या तो खुल के बोलो ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल के बोलो। और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो, बात खत्म हो गई। ठीक है, सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे अगर मुगलों को अपना मानते हैं तो? और जो बातें कहीं मौर्य वंश की बात कही, मैं आपसे गोपाल वंश के बारे में बोलूं आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपसे अंग साम्राज्य के बारे में पूछूं आप नहीं बता पाएंगे, चोल राजवंश में किस तरीके से लोकतंत्र की नींव उस समय रख दी गई थी, कैसे वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी, वो पढ़ाया क्यों नहीं जाता 11वीं और 12वीं में उतने विस्तार पर, ये मैं पूछूं इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मुगलों से इतना प्यार क्यों? देखिए राकेश भाई, क्योंकि चर्चा का विषय मुगल साम्राज्य है तो मैं ये कहूंगा कि योगी जी के महफिल में किस्मत आजमाकर हम भी देखेंगे, अजी हां हम भी देखेंगे।
देखिए, मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना 15 अगस्त में हमारी आजादी की खुशी लाल किले के बगैर अधूरी है। मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना ताजमहल के बगैर हमारा भारतवर्ष अधूरा है। और जब हम बात करते हैं यूपी की, तो मैं आपको भी याद दिला दूं और माननीय योगी जी को भी ये कह दूं कि इस मुगल साम्राज्य की तीन सबसे बड़ी चीजें ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी उसी यूपी में, और आज भी उस यूपी को खिलाते हैं मुगल। ओ भाई, 125 करोड़ रुपए। मैं कोशिश कर रहा था कि बीच में नहीं आऊंगा। माजी राजी सुनिए, सुनिए ना, पहले एक बात मैं कह दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। माजी राजी सुनिए, खिलाते हैं माजी राजी, माजी राजी सुनिए ना, तो यूपी जो मुझे चंद्र, आप सुन लीजिए ना माजी राजी, मगर मुझे ये नहीं पता, सुनिए ना माजी राजी। और भाटी जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि सरकार इनकी भी रही है ना, तो यूपी और ना तो भारत, पाकिस्तान मत समझिएगा, पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क पाल लेगा अकेले उत्तर प्रदेश, तो ना तो यूपी ना तो भारत सर इतना कंगाल है, ना तो इतना कंगाल है कि ताजमहल से कमाई आई और उस पर चले, तो ये बात एकदम मन में बिठा लीजिए। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो मुगलों ने की। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कि उसके खजाने पर चल रहा है, तो सुनिए ना, सुनिए, मैं भाटी जी से कहिए तो तस्दीक करवा देता हूँ। 24% सुनिए, माजी राजी सुनिए, ना तो यूपी ना तो भारत मुगलों की इतना कंगाल है, पाकिस्तान मत समझिएगा कि ताजमहल से आई कमाई पर, आजम जिन्हें कहते थे ठीक है ना, वो यूपी चले और देश चले, देश जो था वो सोने की चिड़िया इससे था, क्योंकि 24% पूरे विश्व का जीडीपी भारत देता। अच्छा, किस क्या बात आप करें, क्या क्या छुपाएंगे आप दुनिया से? नहीं नहीं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, और सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताऊं, मैं बताता हूं, सुन लीजिए माजी चौधरी, और थोड़ी देर बाद रिजवान भाई इसका और कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। बाबर नामा जिसका आप जिक्र करते हैं बार बार, अरे लाल किले के बगैर हमारी देश की आजादी अधूरी है, अर्थात मुगलों के बगैर हमारा देश अधूरा है, कोई यहां नहीं होती। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, सुनिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।